हेलो फ्रेंड्स, आंसर्स कुजिन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खोए की खीर, जो कि बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो चलिए हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने खोया लिया है 1 कप, किशमिश थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने काट लिए हैं 1/2 कप से भी कम हमारा चीनी है, 2 चम्मच हमारा काजू का पेस्ट है, 1 चम्मच मैंने घी लिया है और 1/2 कप से भी कम हमने चावल लिया है और दूध लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने गैस पे एक कढ़ाई रखा है, उसमें थोड़े से घी डालूंगी। घी हमारा मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमको हल्का फ्राई करना है। ये हमारा ड्राई फ्रूट्स हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। सेम पैन में मैं चावल डाल दे रही हूँ। चावल को हम फ्राई करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा घी और डाल देंगे हम, साथ ही खोया डाल देंगे और हम दोनों को मिलाकर, चावल और खोए को मिलाकर 2 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे बस। देखो हमारा खोया और चावल को मिला के हमने 2 मिनट फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें दूध डाल देंगे। और मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी। ये देखिए, अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे। और काजू का पेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अपने चावल हमारा जब तक पकना जाए तब तक हम इसे पकाएंगे, बीच बीच में चलाते हुए इस तरीके से। देखिए हमारा चावल पक चुका है, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी हमें कम डालना है, 1/2 कप से भी कम मैंने चीनी डाला है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी चीनी अच्छे से घुल चुकी है खीर में। हमारी खोए की खीर अब बनकर तैयार है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे उससे इसकी गार्निशिंग करेंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।